हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और 5 मिनट में बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मीठा खाकर बोर हो गए हैं और आप कुछ चटपटा सा नमकीन सा खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। इस चटपटे नाश्ते को आप घर में रखे हुए सामान से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं या हमारा ही कुछ खाने का मन होता है और घर में कुछ भी नहीं होता है, तो हम इस तरह से इस झटपट बनने वाली रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, ये खाने में इतना टेस्टी लगता है। इस नाश्ते में ऊपर से जितना करारापन है, अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस कुरकुरे और शानदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी पोहा ले लिया है। पोहा तो हर किसी के घर में होता ही है। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये पतला वाला पोहा लिया है। आपके पास अगर मोटा पोहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। अब हम इस पोहे को किसी बड़े बर्तन में डालकर पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि पोहे की सारी गंदगी निकल जाएगी। हमें 2-3 बार पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेना है। आपके पास अगर कोई जाली वाला बर्तन है तो आप उसमें डालकर भी इसे धो सकते हैं। हमारा पोहा अच्छे से धुल चुका है। अभी इसे हम हाथों से दबा के देखेंगे तो ये हल्का सा टाइट है। इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दूंगी। 10 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने पोहे को 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया है। ये देखिए, 10 मिनट में पोहा हमारा अच्छे से हाथों से दबाने से दब रहा है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम हाथों से मसलते हुए इसका डो जैसा लगा लेंगे। देखिए मैं किस तरह से पोहे को मसल रही हूँ। आपको इसी तरह से पोहे को मसल कर डो की फॉर्म में ले आना है। अब मैंने जो आलू लिए थे उन्हें कद्दूकस कर लिया है, उन्हें भी मैं पोहे में डाल दूंगी। और साथ में मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, वो भी इसमें डाल देना है। साथ में हरे धनिए के पत्ते भी डाल देने हैं काट के। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्च कम डालिएगा। इसके साथ ही इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ भुना जीरा डालेंगे और नमक अपने स्वादानुसार डालना है। साथ ही मैंने ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसकी जगह पर आप चावल का आटा, मैदा या अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हमें 2 बड़े चम्मच भर के डालना है। मैंने ये जो खाना खाते हैं उस चम्मच से भर के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और हाथों से मसलते हुए हमें इसका एक अच्छा सा डो लगा लेना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगा लेना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। डो हमारा अच्छे से लग चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर इस आटे की नींबू के आकार की गोल गोल गोले से बना लेंगे। आपको जिस भी शेप में इस नाश्ते को बनाना है तो आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। इसकी आप गोल टिक्की भी बना सकते हैं। मैंने इस नाश्ते को छोटे छोटे बॉल्स की तरह बनाया है। आप चाहें तो इसे हार्ट शेप में या सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। ये छोटी छोटी बॉल्स देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी सारी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसकी जगह पर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें हम छोटी सी बॉल बना के चेक करेंगे। मैंने छोटी सी बॉल बना के तेल में डाली है, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है और एकदम तैर के ऊपर आ गई है। ये देखिए, बॉल हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अब इसमें हमने जो बॉल बना के रखी थी, एक एक करके 3 से 4 बॉल इसमें डाल देना है।
हमें इससे ज़्यादा बॉल इसमें नहीं डालनी है और आधा मिनट तक इसे ऐसे ही एक तरफ सिकने देना है। इसे हमें एकदम नहीं पलटना है। हमारा आधा मिनट हो चुका है, अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारी बॉल को पलट देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम सारी बॉल को तल के तैयार करेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तो ये हमारी बॉल टूट सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बॉल को मैंने अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। अब हम इन बॉल को किनारे से लगाते हुए निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। दूसरी साइड में इसमें जो बॉल बची हुई हैं उन्हें भी डालकर अच्छे से तल लूँगी। देखिए बॉल हमारी कितनी अच्छे से तल चुकी हैं। इस बार मैंने थोड़ी ज़्यादा बॉल इसमें कढ़ाई में डाल दी हैं और इन्हें भी हमें उसी तरह से चलाते हुए उलट पुलट करते हुए गोल्डन होने तक तल लेना है। हमने दूसरे बैच में जो बॉल डाली थी वो भी तल के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें भी हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। हमारा ये पोहे से बना हुआ टेस्टी सा नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए, एक बॉल को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से जितना करारापन है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट बनी है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हम इस नाश्ते को केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस नाश्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे कोई भी नहीं कहेगा कि इसे हमने पोहे से बनाया है। हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।